ओम शांति। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ चलता रहता है, अप्स डाउन्स होते रहते हैं, हमारे फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में। कभी किसी की हार्ट अटैक से डेथ, कभी किसी बीमारी से मृत्यु, कभी एक्सीडेंट, तो कभी कोई हादसा, कभी कोई अनहोनी, कुछ न कुछ चलता रहता है। और जब हम वो सुनते हैं ना, दुख के समाचार, दुख के न्यूज़, चाहे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, स्पेशली अगर हमने अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में न्यूज़ सुनी, अरे हमारे जितने ही थे लेकिन उनकी तो हार्ट अटैक से डेथ हो गई, कल अच्छे थे रात को लेकिन सुबह में अटैक आ गया, और किसका भी अचानक मृत्यु हो गई। अभी जब मृत्यु इसके बारे में सुनते हैं तो ऑटोमेटिक मन बहुत दुखी हो जाता है, और इतना दुखी होते होते कई बार तो कईयों के बारे में ऐसा हो जाता है कि वो खुद सोचना शुरू करते हैं, अरे कल मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो, कल हमारे भी फैमिली में ऐसा हो गया तो, और ज़्यादा दुखी होते हैं, टेंशन में रहते हैं। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी बच्चे ने, उसे कुछ मिला नहीं इसलिए सुसाइड कर लिया, सोचना शुरू करते कल हमारे बच्चे ने भी ऐसा कुछ कर लिया तो, और टेंशन में, चिंता में रहते हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, दुख की न्यूज़, दुख की बातें सुनते सुनते जब हम उन्हें सीरियसली अंदर ले लेते हैं और हम भी दुखी हो जाते हैं, और जैसे हम दुखी होते हैं तो हम उसकी चिंता करना शुरू कर देते हैं, तो मन दुखी, आज एक घटना सुनी, कल दूसरी सुनी, परसों तीसरी, इससे वो दुख एक्युमुलेट होता जाता है। अभी सोचो ऐसे दुखी मन का असर कहाँ होता है, मन दुखी तो तन भी दुखे, और इसका असर धीरे धीरे हमारे फैमिली पर, हमारे धन पर, हमारी लाइफ पर होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी के घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपसे बातें करते करते वो बार बार कह रहे हैं मुझे ना दर्द है, दर्द हो रहा है, एंड देयर इज एक्सप्रेशन, वो दर्द का एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर भी है, यू आर वेरी मच कंसर्न। अभी वापस वो जाने के बाद आप दूसरे दिन फोन करके पूछते हो, आप ठीक हो, आपके घुटने ठीक है, वो कहते नहीं, बिल्कुल आराम नहीं। अभी ये भी बात धीरे धीरे आपने अंदर ले ली तो कुछ समय के बाद आपको लगेगा, अरे मेरे भी घुटनों में दर्द है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो बात हम मन में लेते हैं वही बात हमारे शरीर का हिस्सा बन जाती है। दूसरों का दुख दर्द सुनते सुनते, उसमें इंटरेस्ट लेते लेते वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। कई बार तो हम ये सोचते दूसरों के दुखों में शामिल होते हैं, और अगर हम दुखी होते हैं तो ही हम उनके क्या है, सच्चे मित्र है। नहीं, एक्चुअल में जब हम दुख से दुखी होते हैं तो हम तो उनका दर्द, दुख, पीड़ा और बढ़ा रहे हैं, हम उन्हें कहाँ मदद कर रहे हैं, और हम उतना ही नहीं कर रहे, हम तो वो अपने जीवन में भी तो ला रहे हैं। तो वास्तव में करना क्या चाहिए, क्योंकि डे बाय डे दुख की बातें तो बढ़ने वाली है, अचानक की बातें आने वाली है, लेकिन मुझे ध्यान क्या रखना है, उस दुख की लहर का प्रभाव मेरे पर ना पड़े, मैं साक्षी होकर सुनूं। सबसे पहले कोई भी ऐसी बात है ना, हम उसको साक्षी होके सुने, जस्ट साक्षी होके सुनते जाए, डोंट टेक इट सीरियसली। तो फिर हम दूसरी और बात क्या करें, साक्षी होकर सुनने के बाद दूसरा थॉट ये सोचे, हम इनको मदद कैसे कर सकते हैं जिससे उनका ये दर्द, पीड़ा कम हो जाए।
उसके बारे में सोचना शुरू करें। तीसरा, हम उनके लिए हिम्मत के बोल बोले, उन्हें ब्लेसिंग दे, अरे आपका ये दर्द खत्म हो जाएगा, अरे आप ये करो आप इसमें से बाहर निकल आओगे। अच्छा, किसी की डेथ अगर हार्ट अटैक से हुई है इसका मतलब हमारे यहाँ होगी ऐसा नहीं है, अब चिंता मत करो, हमें सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है। अगर किसी के बच्चे ने सुसाइड किया, मना हमारा बच्चा करेगा ये मत सोचो, लेकिन हमें इसके बजाय अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन करना है, उनके साथ बहुत अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। हर एक बात हम जैसे उनके साथ फ्रेंडली बनकर शेयर करें, उनकी भी बातें सुने। तो अगर हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से गाइडलाइन देते हैं, हिम्मत के बोल बोलते हैं, आशीर्वाद के बोल बोलते हैं, तो हम उनको दुख से बाहर निकालते हैं। और हिम्मत शुभ बोल बोलते बोलते, साक्षी भाव रखते रखते, हमारा भी मन क्या हो जाएगा, दुख की लहर से डिटैच रहेगा, प्लस हमारी जो मन की पॉजिटिविटी है वो सदा बनी रहेगी। ध्यान में रहे, हमें दुनिया में लोगों के दुख दूर करने हैं, अपने फ्रेंड सर्कल फैमिली इनके दुख दूर करने हैं, बढ़ाने नहीं हैं, और इसलिए खुद की पॉजिटिविटी को बना के रखें। हैप्पी डे।